चेवेल्ला एमपी डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने पहाड़ी शरीफ दरगाह के सालाना उर्से शरीफ के मौके पर वार्ड नंबर 13 के नुमाइंदा कौंसलर कुंडल यादव और दरगाह कमेटी की नुमाइंदगी पर अपने जाती खर्च से दरगाह के सीढ़ियों पर कालीन बिछाने के काम किए ताकि जायरीन को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना पेश आ सके। दरगाह में फैनों का भी इंतजाम किया गया। इस मौके पर एक्स एमपीटीसी राजेश और दिगर भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए नुमाइंदा कौंसलर कुंडल यादव और दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान ने चेवेल्ला एमपी डॉक्टर रंजीत रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसीलात। पेश रिपोर्टर फारूक खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज पहाड़ी शरीफ में जो एमपी रंजीत रेड्डी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करते, हजरत ना बाबा शरफुद्दीन के दामन में जो तकलीफ थी, अगले साल ये दरगाह कमेटी वाले फ़ोन करे हमारे फरीद बाबा एमपी साहब को मैट दलाए। अभी ये साल भी परसों इनविटेशन को उरस चल रही, इनविटेशन को उरस के तरफ से जो इन्वाइट करे थे एमपी साहब को, फिर ये साल भी मैट दलाए उन्होंने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही फैनों की भी ज़रूरत थी, धुपकाला है, रमज़ान है, जो बहुत तकलीफ थी यहाँ पर, तो ये दरगाह कमेटी वाले बोले थे, हमारे मोइन भाई और इमरान भाई लापूरे बोले थे, बाबा भी बोले थे, फरीद भाई एक बार बोलो एमपी साहब को ज़रा फैनों की ज़रूरत है बोले तो। एमपी साहब जब ही इमिडिएटली मैट भिजा दिए, मैट दो दिन से मैट भी बिछा दिए, आज फैना भी लगा दिए पूरा अपना दरगाह में, सराउंडिंग में पूरा जो नमाज पढ़ते जो आते दर्शन के लिए, बहुत अच्छी सोच है। बोलते हैं कि एमपी साहब मैट भी बिछा दिए और फैना भी दे दिए, उनको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पहाड़ी शरीफ के तरफ से। कभी भी हमेशा दुआ भी रहना कि हजरत ना बाबा शरफुद्दीन के दामन में जो कामा भी करे उन्होंने, कामा भी कर रही, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दरगाह कमेटी वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथी राजेश भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने भी साहब को बोल के हर साल देना करना बोल के मैट को दिए, गई साल ये साल भी फाइनल के वास्ते एक बार मुद्दा उन्होंने भी उठाए थे, बोले थे साहब को, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब का। हमेशा ऐसा पब्लिक में हर चीज़ में कामों के लिए भी नहीं, हेल्पिंग नेचर भी है उनके, ऐसा आदमी रहना बोल के हम बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं एमपी साहब का। और एक बार बुलक्ताब शहीन शाह दक्कन सुल्तानुल आरफीन हजरत सैयदना बाबा शरफुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का 797वां उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। और उर्स शरीफ में केसीआर साहब बहुत बेहतर तरीके से काम करे हैं, रोड भी बना दिए हैं, और हमारे जो है रंजीत रेड्डी साहब भी बहुत काम करे हैं, दरगाह शरीफ में कारपेट भी बिछाए हैं और पंखे भी लेके आए हैं। अल्लाह पाक केसीआर साहब को भारी अक्सर से आने वाले इलेक्शन में कामयाबी अता फरमाइए और रंजीत साहब रेड्डी साहब को भी भारी अक्सर से कामयाबी अता फरमाइए। अल्लाह पाक दुआ फरमाइए, बाबा जान के दरबार में मारोदा हमारा बेहतर तरीके से आने वाले इलेक्शन में भारी अक्सर से कामयाबी होंगी बिरहमतिका या अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतबुल अख्ताब शहीन शाह दखन सुल्तानुल आरफीन हजरत सैयदना बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी राखी रहमतुल्लाह अलैह के 757वां उर्स शरीफ के मौके पर हमारे चेवेल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब को दरगाह कमेटी की जानिब से दावतनामा दिया गया था। दावतनामे के साथ हमने एक नुमाइंदगी की थी एमपी साहब से कि दरगाह शरीफ में दरगाह को आने वाले जाहिरीन के लिए मैट होना है सीढ़ियों पे। धुकाले में उर्स शरीफ समर में है जिसकी वजह से दरगाह को आने वाले जाहिरीन को बहुत काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। हम एमपी साहब को सारे तफसील बताने पर एमपी साहब ने मैट के लिए एक अपने ज़ाती सरफे से जैसा बजट सेंशन किया, उसी के साथ साथ और दरगाह शरीफ के हाथे में अल्मोनाट कंपनी के जो है सो वॉल फैंस एमपी साहब ने अपने ज़ाती सरफे से सेंशन दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी जो है सो हमारे वार्ड नंबर 13 के काउंसलर श्री कुंडल यादव साहब को दी गई थी।
जो अल्हम्दुलिल्लाह फैंस आ चुके हैं और मैड भी जो है सो बिछ चुका है, जिसका हमारे काउंसलर और बीआरएस पार्टी के इनके काउंसलर के जो भी इनकी टीम है पूरे जो है सो आके एरिया का इंस्पेक्शन करे दरगाह कमेटी के साथ, और फैंस भी जो है सो दरगाह में अब कुछ ही देर में जो है सो इलेक्ट्रिशियन के जरिए लगाया जाएगा। और हम पिछले साल 2022 में भी जो है सो एमपी साहब को जो है सो मैट के लिए नुमाइंदगी करे थे, जब तो हम फ़ोन पे ही एमपी साहब को बोले थे, फ़ोन पे जो है सो एमपी साहब ने इमीडिएटली 3 लाख रुपए का बजट सैंक्शन करके इमीडिएटली जो है सो पिछले साल भी जो है सो दरगाह को आने वाले ज़ायरीन के लिए मैट का सैंक्शन किया था, सहूलत पहुँचाई थी। और हम एमपी साहब के लिए दरगाह कमेटी की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी सेहत वाफियत के लिए दुआ करते हैं। खुदा हाफिज़। विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर, फी गज सिर्फ 5,000 रूपए, नकद या आसान अकसात पर। नेटको फार्मा, पीएनजी, जॉनसन एंड जॉनसन, एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स, ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, हैदराबाद। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9246882400, 9505704041। HR Sound Al Abu Bakr, जहां पर आपकी तकारीब को रोशनियों से जगमगाने और यादगार बनाने के लिए बारात, लाइटिंग, डीजे, डिस्को लाइट्स, बैंड, तमाम बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जाती है। मजीद तफसीलात के लिए फौरी चले आए। हमारा पता है चंद्रायन गुट्टा, फूलबाग, मोहम्मदिया मस्जिद रोड, हैदराबाद, या फिर दिए गए नंबर पर प्रोप्राइटर शेख इमरान से राब्ता किया जा सकता है। फोन नंबर है 8309598386।